सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद बीएससी तृतीय वर्ष के लिए पेपर थर्ड के यूनिट फर्स्ट में आज का हमारा टॉपिक है जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति जीव विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार सरलतम संरचना वाले एक कोशिकीय जीव विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विकास हुआ है। एक प्रकार से एक कोशिकीय जीवों से विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विकास हुआ है। इनके विकास में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगा है, पर लेकिन बात आती है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे और कहां से आया है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने समय समय पर अनेक मत और अनेक अलग अलग परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पनाएं जीव रसायन और भूगर्भ शास्त्र के और खगोल शास्त्र के सम्मिलित ज्ञान से प्रस्तुत की गई है, लेकिन उससे पूर्व जो प्राचीन परिकल्पनाएं हैं, आज हम उन प्राचीन परिकल्पनाओं का अध्ययन करेंगे। जीव की प्राचीन प्रक्रियाओं में सबसे पहले धार्मिक धारणाएं आती है। धार्मिक धारणाओं में विशेष निर्माण शताब्दी के मध्य में आम धारणा ये थी कि सृष्टि का निर्माण किसी शक्ति के द्वारा हुआ है। ईसाइयों के ग्रंथ बाइबिल के अनुसार पूरे ब्रह्मांड का निर्माण केवल 5 दिन में हुआ है। पहले दिन पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण हुआ, दूसरे दिन आकाश का, तीसरे दिन भूमि पर पेड़ पौधे को बनाया गया, चौथे दिन सूर्य चंद्रमा और अन्य ग्रह बने, पांचवे दिन मछलियां और पक्षियों का निर्माण हुआ। प्रारंभ में केवल पुरुष बना, फिर उसकी 12वीं पसली से स्त्री का निर्माण हुआ। हिंदू के पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है। देवता मनुष्य एवं राक्षस ब्रह्मा के सिर से, पक्षी छाती से, बकरियां मुंह से, तब पेड़ पौधे शरीर पर उगे बालों से निर्मित हुए हैं। निर्माण दिवस से लेकर के आज तक पृथ्वी पर समस्त जीवधारी बिना किसी परिवर्तन के अपने प्रारंभिक स्वरूप के अनुसार ही रह रहे हैं। दूसरा सिद्धांत स्वतः जनन का सिद्धांत है। प्राचीन मिस्र में यह धारणा थी कि सूर्य की किरणें जब नील नदी पर पड़ी तो नील नदी के कीचड़ से मेंढक, सांप और चूहे, यहाँ तक कि घड़ियाल भी स्वतः उत्पन्न हुए हैं। प्राचीन काल से 17वीं शताब्दी के मध्य तक बहुत से वैज्ञानिक भी यही मानते आए थे कि जीव स्वतः किसी विधि से उत्पन्न हुए होंगे। हॉमल्ट वान का कहना है कि पसीने से भीगी गीली कमीज और गेहूँ के भूसे को एक साथ रख देने से 21 दिन के पश्चात उसमें चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। बाद में निदम ने स्वतः जनन वाद में इसका समर्थन किया था। तीसरा सिद्धांत है जीव जनन वाद। इटली के वैज्ञानिक फ्रांसिस्को रेडी ने सन 1668 में अपने प्रयोग द्वारा स्वतः जनन मत को प्रस्तुत किया। इसके अनुसार जीव जननवाद के अनुसार जीव की उत्पत्ति जीव से हुई है। उसने कुछ मछलियों को बलीभांति पानी में उबाला और उन पर स्थित जितने भी जीव थे वो सारे मर गए। फिर उबली हुई मछलियों का जो शोरबा था उसे शीशे के 3 जारों में अलग अलग रखा। पहले जार को खुला छोड़ दिया, दूसरे जार के मुंह पर कपड़े कागज़ से बांध लिया और तीसरे जार का मुंह जो है मलमल के कपड़े से बांध दिया। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि पहले जार में मक्खियाँ, अन्य कीट और लार्वे उत्पन्न हो गए, किंतु दूसरे जार पर मक्खियों का नामो निशान ही नहीं था और तीसरे जार में मक्खियों ने जार के मुख पर बंधे मखमल के टुकड़े पर अंडे दे दिए। उनमें से केवल कुछ ही अंडे थे जो जार के मुंह पर बंद मखमल के टुकड़े से छनकर जार के अंदर पहुंच गए, वो लार्वा के रूप में विकसित हो गए। इस प्रयोग से रेड्डी ने यह निष्कर्ष निकाला कि मांस का लार्वा स्वतः उत्पन्न नहीं होते हैं और नई मक्खियाँ जो होती है पहले से स्थित जो मक्खियाँ होती है उनके द्वारा दिए गए अंडों के द्वारा विकसित हुई है। इसके बाद इटली के एक अन्य प्रसिद्ध वैज्ञानिक लेजरो स्प्लेंजानी ने इस प्रकार का प्रयोग द्वारा रेड्डी के कथन की पुष्टि की।
उसने पौधों और जानवर के कांटे को अलग अलग फ्लास्कों में पर्याप्त समय तक उबाला, जिससे उसमें उपस्थित सारे जीव नष्ट हो गए। उबालने के पश्चात फ्लास्कों को भली प्रकार से बंद करके एयर टाइट कर दिया ताकि फ्लास्क के अंदर वायु प्रवेश न कर सके। इन फ्लास्कों में किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई, ना ही मांस सड़ा। रेड्डी का कहना था कि वायु में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, खुले मांस पर पहुँच कर ये नए सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न करते हैं। अनेक वैज्ञानिकों ने लेजरों के प्रयोग एवं उसके परिणामों का यह कहकर विरोध किया कि स्वतः जनन के लिए वायु आवश्यक है, क्योंकि लेजरों ने वायु को अवरुद्ध कर दिया है, इस कारण जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकी है। लेजरों के पश्चात फ्रांस के और अन्य प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पास्चर ने भी इस प्रकार के प्रयोगों के द्वारा को दोहराया और स्वतः जनन के बारे में जो रहस्य है उस ब्रह्म रहस्य को समाप्त किया। उसने फ्लास्क को में शर्करा के गोल और यीस्ट के पाउडर को आधा भरा और फ्लास्क की गर्दन को थोड़ा गर्म करके उसे ऐसे आकार में मोड़ दिया। अब फ्लास्क में लिए गए विलयन को भलीभांति उबाला और फ्लास्क को ठंडा करके रख दिया। उसने देखा कि कुछ दिनों तक फ्लास्क पर रखा गोल मुड़ी हुई नली के द्वारा वायु के सीधे संपर्क में न होने से न तो सड़ा, न ही उसमें किसी प्रकार के जीव उत्पन्न हुए। इसका कारण यह था कि मुड़ी हुई जो नली थी उसके द्वारा वायु तो फ्लास्क में प्रवेश कर रही थी, किंतु वायु नली का जो ऐसा आकार था वहाँ पर वायु में उपस्थित जितने भी बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव थे वो नली में ही रह जा रहे थे और उस विलयन तक नहीं पहुँच पा रहे थे। इसके विपरीत जब फ्लास्क की ग्रीवा को उसने तोड़ दिया और कुछ दिनों पश्चात उसने देखा कि सारा का सारा पदार्थ जो है सड़ गया और उसमें जीव उत्पन्न हो गया। इस प्रकार पाश्चर ने भी यह सिद्ध कर दिया कि जीवाणु रहित जो मांस का शोरबा है उसमें किसी भी प्रकार की जीव की उत्पत्ति असंभव है। इससे भी लेजरों के इस कथन की पुष्टि होती है कि कोई भी जीन स्वतः जनन के बिना पहले से जीव के उत्पन्न नहीं होता है। एक कॉस्मिक म्यूजिक सिद्धांत और है, इसके लिबिंग और केल्विन तरह एरेनियास से दिया। इन वैज्ञानिकों ने 1921 में यह संभावना व्यक्त की कि पृथ्वी पर ब्रह्मांड के किसी अन्य ग्रह से कोई रोधी स्पोर्ट्स आए होंगे, उन स्पोर्ट्स से जीवन इस ग्रह पर आया होगा। सन 1974 में फ्रांसिस क्रिक तथा लेस्ली ने और गेल ने इस बात का समर्थन किया, किंतु इसको स्वीकार कर लेना अभी भी मूल प्रश्न के उत्तर से कहीं अधिक दूर है, जिसमें हम ये कहते हैं कि जीवन का उद्गम कैसे हुआ इसका उत्तर नहीं मिलता है। ये थी कुछ प्राचीन धारणाएं जिनके अनुसार पृथ्वी पर जीवन के उद्गम की परिकल्पनाएं की गई और कुछ प्रयोग जिनके द्वारा स्वतः जनन के सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया गया। आशा है आज का वीडियो BSc थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी रहा होगा। यह कंटेंट आपके समक्ष आपके उपयोग के लिए प्रस्तुत है। धन्यवाद।